हेलो माय फैमिली, तो आज हम लोग जाने वाले हैं बेल्ले शंकरपुर राजीव गांधी मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज। आज हम लोग जाने वाले हैं बेल्ले शंकरपुर राजीव गांधी मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज। ठीक है, नाम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ऐसा लग रहा है कि पैराग्राफ है। तो वो कॉलेज हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आज मैं और मेरी मम्मी हम लोग जाएंगे वहाँ पे और उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लाएंगे इस कॉलेज के ऊपर। ठीक है, ये पानपुर में लोकेटेड है, ज़्यादा बेल्ले शंकरपुर के हुआ, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। चलो, और एक चीज़ है कि भाई रिसेंटली हमारा जो 1 का कंप्लीट हुआ है और मैंने जैसा बोला था कि मैं डॉग्स को ज़रूर खिलाऊंगा, तो उसके ऊपर एक वीडियो आ गया है। तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़रूर देखो, नीचे मैंने लिंक दिया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो। ठीक है, इसको देखने के बाद, ठीक है, तो चलो मम्मी वो आ रही है, तो आज मैं और मम्मी जाएंगे। ठीक है मम्मी, सबको चलो हाय बोल दो। चलो मम्मी भी कुछ क्वेश्चन करेंगे उनके अगर स्टूडेंट। कौन सा मैरिज कहते हैं? लव मैरिज, तो मैंने प्रेम का विवाह, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। प्रेम का मतलब आपने चयन किया दोनों ने मिलकर, ये तो बढ़िया बात है ना। अब आपका मन मुटाव तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि दोनों ने प्रेम विवाह किया और दोनों ने चयन किया और एक साल बाद तलाक हो जाता है। भाई कैसा प्रेम विवाह? अरे एक बार प्रेम कर ले तो फिर जैसा है हमारा है, जैसी है हमारी, आजीवन उनका निर्वाह करे ये भगवान की भावना से पुष्ट होकर चले। ये क्या दलित दुरा है कि आज इससे कल उससे, ये तो पशु वाली चेष्टा है। प्रेम का है कि भगवान ने एक बार विधान बना दिया गृहस्थी में, हम उसी विधान में संतुष्ट रहकर धर्मपूर्वक से, पर न सत्संग है न शास्त्र स्वाध्याय है न भजन है, तो ये बातें सब लिखी। पहुंच चुके हैं कॉलेज में। ठीक है, एक चीज़ जो है यहाँ पे नेचर बहुत सही है, बिकॉज़ ये एकदम जो खेत के बीचों बीच है। ठीक है, बहुत ही अच्छा नेचर है और आने जाने का भी बहुत सही है, आते वक्त भी आपको बहुत अच्छा सीनरी मिलेगा। अभी हम लोग जाएंगे लाइब्रेरी में ताजुद्दीन सर से बात करने के लिए। ठीक है, वो वहीं पर काम करते हैं, तो उनसे जाके बात करने के बाद हम लोग सारे जो कैंपस है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए, मतलब जो हर्ब जो होते हैं वो सब, चलो अभी दिखा दें। हर जगह भाई वही लगे हैं भाई हर्ब्स एकदम। इस साइड हम लोग आए हैं लाइब्रेरी के सामने, तो लाइब्रेरी, सो दिस इज द लाइब्रेरी। तो भाई यहाँ पे सारे बुक्स भरे पड़े हैं, सॉरी। ये रहे हमारा ताजुद्दीन सर, काम कर रहे हैं, बिजी है, और ये रहे तो अभी हमारे साथ है ताजुद्दीन सर। तो सर, इस लाइब्रेरी में कितने सारे बुक्स हैं और बुक्स के बारे में कुछ बताइए। 15,000 हाफ मॉडर्न बुक है और हाफ आयुर्वेदिक बुक है। বাংলাতে কোনো অসুবিধা নেই, জানি প্রবলেম হয়। আচ্ছা, তো স্যার আর কোনো টার্মস আছে কি বলবো আপনার, মানে বই এরকম তো না যে আউটডেটেড কাইন্ড অফ, মতলব ওল্ড এজ কাজ হতো 33 ইয়ার্স ওল্ড কিছু বুকস আছে কিছু? না না না, সব লেটেস্ট বুক হ্যায়, সব আপডেট নিউ বুক। আর আমাদের এখানে স্টুডেন্টরা ভালো পরিষেবা পায়, আমরা যে কোনো, ওরা যে বই, মেডিসিনের বই বলুন আয়ুর্বেদিক বই বলুন, যে কোনো বই চাইলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ওরা পেয়ে যায়। স্যার বলছি লাইব্রেরি ফ্যাসিলিটি কেমন, মানে কোনো টার্মস আছে কি বই যদি কেউ না দেয় মানে তো ফির ক্যা করা যাতে উসকে সাথে, মতলব এখানে কোনো ফাইন নেই, কিন্তু আমরা বলে দিই যে 7 ডেজ পর রিনিউ করার জন্য, যে রিনিউ করে আমাদের একবার নক করে যাবে যে আমরা বইটা তুমি আরও 7 রাখবে এক্সট্রা, এটাই আমরা ওদের বলি, এখানে কোনো ফাইনের ব্যাপার নেই। তা আমাদের যখনই যেই বইটা চাই আমরা সবসময় স্টুডেন্টকে হেল্প করার জন্য চেষ্টা করি, মডার্ন হোক আয়ুর্বেদ হোক সবসময় আমরা দিয়ে থাকি, স্টুডেন্টরা খুব উপকৃত হয়ে থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর স্যার আমাদের লাইব্রেরির মধ্যে দুটো পার্টিশন করা আছে, একটা গার্লস একটা বয়েজ। আচ্ছা আচ্ছা, স্টাডি রুম, স্টাডি রুম বলে, মতলব ওই সাইড, ওই সাইড কা বয়েজ, একটা গার্লস আছে একটা বয়েজ, বয়েজ আছে, বয়েজ এই সাইড না। আচ্ছা আচ্ছা, একসাথে 50
আচ্ছা 50 জন একসাথে ক্লাস করতে পারবে স্টাডি করতে পারবে 50 লোক একসাথে পড় সকতে আচ্ছা তো এরা মতলব বয়স কা লাইব্রেরি মে ইয়া পে ব্যাঠ কে পড়তে বো লোক বহুত সি বহুত সারে সিট হে 50 জন একসাথে পড়তে পারলে কোনো अच्छा सर बाकी सब कुछ दिखाइए तो क्लासरूम सब कुछ अच्छा अच्छा गर्ल्स गर्ल्स अच्छा कि मेडिसिन किछु तैरी होय आर किछु समथिंग भास्कर लवण चूर्ण कोष्ठशुद्धि चूर्ण डायबेटिक योगा शरीर शांति चूर्ण অভিবর্তিক চূর্ণ শীতকলাদি চূর্ণ তালিশাদি চূর্ণ এই কটা চূর্ণ হয় আচ্ছা স্যার মেশিন এখানে মেশিন করে সাথে তো মেশিন একটা গ্রাইন্ডিং মেশিন আছে তাতে গুঁড়ো করা হয় আচ্ছা আর হাফস যেটা নাকি গাজগাছরা থেকে যে হাফস আসে গাজগাছরা দেশি করবা করতে আগে যে আয়ুর্বেদিক ওষুধ হয় সেইগুলো গ্রাইন্ডিং এ ভাঙিয়ে গুঁড়ো করে হাতে তৈরি করা হয় মেখে কষ্টসুদ্ধি এই যে ভাস্কর লবণ কেমন একটু খুলে দেখাও দেখি কেমন দেখতে চূর্ণ আচ্ছা 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 ডায়াবেটিক যোগা লাইট হচ্ছে গ্রাইন্ডিং মেশিন আচ্ছা আচ্ছা গ্রাইন্ডিং মেশিন এই যে ওকে হ্যাঁ এই মেশিনে কি হতো এটা चला चला अच्छा 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 गुरु वाला गुरु गिर जाए चला है इधर से इधर तो वही है बस अच्छा ये जो बोला ये टैबलेट है ना ओ मतलब इन सब के अंदर टैबलेट है सब कुछ ओ देखा देखो क्या टैबलेट है वो खुले हाथ में नहीं है क्या हाथ में अरे बोलो आप यहाँ पे तो नहीं आ रहा अच्छा मैंने एक लोग ना साइड इफेक्ट नहीं तो सब खेत वाले को नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स है सीनियर लोग तो इनके साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे तो चलो बोल दादा कुछ बताइए बस कॉलेज के बारे में मतलब कैसे आपका एडमिशन हुआ और प्लस फैकल्टी मेंबर्स कैसे ये सब कुछ हाँ तो मैं तो बेसिकली त्रिपुरा से हूँ अच्छा तो त्रिपुरा से मैं नीट एग्जाम क्रैक किया था तो नीट एग्जाम दे के इसके बाद वो काउंसिलिंग के बाद इस कॉलेज में मुझे चांस मिला तो इस कॉलेज में और एक कॉलेज है मतलब दो कॉलेज है एक गवर्नमेंट है और एक प्राइवेट है प्राइवेट अंडरटेकिंग कॉलेज ये तो प्राइवेट है और एक है वो काठी में है काठी में ओके तो दीदी व्हाट अबाउट फैकल्टी मेंबर्स मतलब आपको कैसा लगता है फैकल्टी मेंबर्स कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे कुछ अगर मैं कहूँ तो फैकल्टी हम अगर डिसाइड करेंगे तो हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे हैं पढ़ाई वगैरह मतलब सपोर्टिव है अगर कोई भी टीचर से कुछ भी जानना हो कुछ भी करना हो तो बहुत इजीली हम टीचर से बात कर सकते हैं मतलब हेजिटेशन नहीं फील होता कि किसी को ये पूछना है तो सर कैसे बिहेव करेंगे बोलेंगे तो मुझे नहीं पता होगा तो सर कैसे बिहेव करना बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्पफुल है सबको एकदम मतलब कहीं को अगर किसी का किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होता है तो वो एकदम हेल्प करते हैं हमेशा भैया क्या मतलब रैगिंग वगैरह और कुछ सीनियर ऐसा कुछ करते हैं क्या काइंड ऑफ ऐसा कुछ मिसबिहेव इस तरह कुछ होता है हमारे कॉलेज में तो रैगिंग का कोई सीन ही नहीं है क्योंकि हमारा जो सीनियर जूनियर जो रिलेशनशिप है ये बहुत बढ़िया है आज भी ये तो कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा हुआ था हाँ। तो हमारे कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर में आते हैं वो लोग ये कॉन्डक्ट करते हैं तो पॉलिटिक्स तो नहीं हाँ कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है मतलब कोई भी अलग से नहीं नहीं और कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है सबसे बड़ा बात है जो और इसमें जो जूनियर आते हैं वो कॉन्डक्ट करते हैं और सीनियर हेल्प करते हैं कि ऐसे ऐसे करना है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है इसका तो सब मिलके काम करते हैं तो सीनियर जूनियर का तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है दीदी बोल रहे कुछ फेस्ट वगैरह होता है फेस्ट कोई एनुअल फेस्ट इस तरीके कुछ हाँ वो इसलिए होता है कि हमारे कॉलेज में जैसे कि फ्रेशर्स फेयरवेल और एनुअल प्रोग्राम के तौर पे जैसे कि इस साल कुछ दिन पहले हुआ दिसंबर में रियूनियन था और 3 दिन का बहुत बड़ा प्रोग्राम था तो ये सब होता ही रहता है सब क्या मतलब यहाँ पे होता है या फिर कुछ हॉल रूम में होता है नहीं यहाँ पे बड़ा करके स्टेज वगैरह पैंडल वगैरह करके पूरा बड़ा करके यहाँ पे ही कैंपस दिखाता है कैंपस एक्चुअली बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन सब कुछ है फैसिलिटी है तो चलो आपको दिखाता है सब देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम कह दो ना यू आर माय सोनिया कॉलेज आ रही था हॉस्पिटल हाँ दो एक्चुअली अटैच है ठीक है कॉलेज एंड हॉस्पिटल इसके नाम के आगे आप देख सकते हो नाम अगर टोटल बोलूँ तो वहाँ पे एंड हॉस्पिटल है ये सब एरिया हॉस्पिटल के अंदर आता है कॉलेज के कुछ सर है तो सर तो सर बोल रहे व्हाट इज द डिफरेंशिएटर ऑफ दिस कॉलेज मतलब बाकी आयुर्वेदिक कॉलेज से ये कॉलेज कैसे डिफरेंट है ये सब कुछ ये कॉलेज का ऐसा डिफरेंट है जो बंगाल में जो जो प्राइवेट दो कॉलेज था अंडर ग्रेजुएट का लिए लेकिन स्पेशलिटी कॉलेज का ये है जो ई कॉलेज में
999 रेयर स्पीशीज हर्बल गार्डन है। अच्छा, जो अदर्स कॉलेज में नहीं है। ये कॉलेज में हाईली क्वालिफाइड स्टैंडर्ड फैकल्टी है। ये कॉलेज में स्टैंडर्ड टेक्निकल स्टाफ एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ ही एक्सपीरियंस में है। ये कॉलेज में 32 एकड़ लैंड है। 32 एकड़ लैंड है। वेस्ट बंगाल हेल्थ यूनिवर्सिटी अंडर जो जो कॉलेज है उससे ज्यादा रिजल्ट होता है। ये कॉलेज का लड़का लड़की फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ रिजल्ट कर रहा है, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कर रहा है। ये कॉलेज का एकेडमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जो जो अदर्स कॉलेज को नहीं था। अभी आफ्टर पासिंग फ्रॉम दिस कॉलेज मतलब कौन से स्कोप होता है, मतलब इसमें जा सकते हैं? बांग्ला बोलो। एखान बीएमएस कम्प्लीट करार पर এ পর্যন্ত এখান থেকে আমাদের প্রায় 800 উপরে ডাক্তার বেরিয়েছে। প্রত্যেকে আমাদের হেলথ প্রজেক্টের সঙ্গে, গভর্নমেন্ট হেলথ প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ আরএসভি, আরকেএস, স্বাস্থ্য সমিতির আন্ডারে প্রচুর স্টুডেন্ট আমাদের জব করে, প্লাস গভর্নমেন্টের হেলথ অ্যান্ড ওয়েল ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার আন্ডারে প্রত্যেকেই ম্যাক্সিমাম চান্স পেয়েছে। ম্যাক্সিমাম ওরা ইন্টারভিউ দিয়ে গভর্নমেন্টের জব পেয়ে গেছে। ম্যাক্সিমাম ফ্যাকাল্টি আন্ডারে বাইরের ইউনিভার্সিটিগুলোতে, বাইরের কলেজগুলোতে ফ্যাকাল্টি আন্ডারে জব করছে। পঞ্চকর্মা ডিপার্টমেন্টে যা রে মতলব যে থেরাপি হতো দেখে চলো যাতে आ चुके पंचकर्मा रूम में। आप देख सकते हो किस तरीके से होता है। तो सर कुछ एक्सप्लेन कीजिए, मतलब कैसा क्या होता है, किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। এনার হচ্ছে সন্ধিবাত রোগটার নাম, ব্যথা আছে সারা বছর। এবার এরা এই যে মেসেজটা আছে এটার নাম হচ্ছে অভঙ্গ। এই অভঙ্গটা, এই অভঙ্গ আমরা করছি। কি তেল ইউজ স্যার? এটা মানে তেল বানানো এখানে, এখানে বানানো না, এখানে যার যেমন রোগ। এটা অশ্বগন্ধা তেল, অশ্বগন্ধা তেল তো। আচ্ছা আচ্ছা, যার যেমন রোগ সেই রকমই তেল দেওয়া হয়। স্যার যে ডিরেকশনটা দেয় সেই ডিরেকশন নিয়ে আমরা কাজটা করি। তেল ইউজ না। এই থেরাপির জন্য কত টাকা চার্জ লাগে? এখানে আউটডোরে একটা সামান্য চার্জ হচ্ছে अबाउट एनी कॉलेजेस। देखो भाई, मेरा जो काम है कि कॉलेज के बारे में बताना, कैसा कॉलेज है, कितना फीस है, क्या है, सब कुछ। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना। अगर आपसे आप मुझसे मेरा पर्सनल व्यू जानना चाहते हो तो कैसा है, तो फिर आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो, वहाँ पे जाके क्वेश्चन करो, वन टू वन हम लोग बात करेंगे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ठीक है, मेक श्योर आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, वहाँ पे मैं अपडेट देता हूँ कि नेक्स्ट किस कॉलेज में जाऊंगा, और प्लस आप वहाँ पे मुझे इन्वाइट भी कर सकते हो अपने कॉलेज में। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉलेज में पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग, मेडिकल, तो आप मुझे इन्वाइट कर सकते हो और मैं जरूर उस कॉलेज में जरूर आऊंगा। अगर आपको कोई भी क्वारी है अबाउट एडमिशन, क्या क्या कितना फीस लगता है और ये सब कुछ, तो फिर ये जो आप नंबर देख रहे हो इस नंबर पर कॉल करके वो पूछ सकते हो कि क्या कैसे एडमिशन लोगे और क्या क्या प्रोसीजर है ये सब। और अगर कोई भी क्वेश्चन है अबाउट दिस कॉलेज, आप इस नंबर पर फोन कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं आप सबको बता दूँ अबाउट फीस स्ट्रक्चर, तो फीस देखो भाई नॉर्मली 675,000 जो लगते हैं आपका जो टोटल ईयर है थ्री ईयर्स में। और जब एडमिशन लेने आते हो देन आपको 1.5 लाख जो पे करना पड़ता है। और अगर आप मैनेजमेंट पढ़ा के थ्रू आ रहे हो देन 9,75,000 जो लगता है। और एट अ टाइम जब आप एडमिशन लोगे तब आपको 4,50,000 पे करना पड़ेगा अगर आप मैनेजमेंट पढ़ा के थ्रू आ रहे हो। ठीक है, तो आज के वीडियो पे खत्म करेंगे। जिंदगी मैं अक्षत बोलो बोलो जिंदगी जीते रहिए, सिर्फ काटिएगा मत, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग में। हाँ, तब तक के टाटा टाटा, वंदे मातरम।